सो हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है, आरटीओ प्रोसेस क्या होता है। देखो जो मेरे साथ हुआ है, देखो हर लोकेशन का आरटीओ प्रोसेस अलग अलग होगा, लेकिन क्या होता है, ओला कंपनी ने टाई अप कर रखा है इंडिया मींस जो अपने हिमाचल के आरटीओ ऑफिस वाले होते हैं उनसे टाई अप कर रखा, वो खुद आपकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो होता क्या है, फाइल वो ऑनलाइन टेम्प्रेरी फाइल, जैसे मेरा पंजाब हब है तो पंजाब से मेरी फाइल सीधा लगती है आरटीओ हमीरपुर, तो आरटीओ हमीरपुर से फिर हमारे जो लोकल होते हैं, जैसे हमारा आरटीओ बड़सर पड़ता है जो कि तहसील होती है, एक तरह की तहसील में आके फिर वो पूरा प्रोसेस चलता है। तो होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन का तो सिस्टम है लेकिन आपको मुझे लगता है कि ये शायद हिमाचल में ही आना पड़ता है, आपको फिज़िकली व्हीकल को लेके आना पड़ता है, जो आपका ऑफिस है वहाँ पे वो चेसी नंबर आपका जो भी मोटर नंबर होता है राइट साइड ओला में, आगे देखना आपके आगे वीडियो में आपको दिखेगा, तो वो ट्रेस करके वो देखते हैं कि वेरीफाई करते हैं वही व्हीकल है कि नहीं है। तो उसके अलावा साइन होते हैं आपके, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है और कुछ भी, आपको सारे आपके डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली ओला कंपनी इनको फॉरवर्ड कर देती है, तो वहीं से ही प्रोसेस पूरा स्टार्ट होता है। लेकिन हिमाचल में थोड़ा डिले है, बहुत टाइम लगता है इस चीज़ के लिए क्योंकि नया प्रोसेस है, हिमाचल इस मामले में थोड़ा सा मेरे को पीछे लगा, बाकी देखते हैं आगे। ये मेरी वॉकिंग टॉकिंग थोड़ी सी वीडियो बनाई है मैंने, तो चलिए फिर ठीक है। तो एक आरएलए जो होता है हमीरपुर से, वहाँ से बंदा आता है तो यहाँ पर फाइल चेक होती है, और होता क्या है, आपको फिज़िकली आना पड़ता है, जैसे गाड़ी ये है तो इसका जो है चेसी नंबर वो चेक होता है, चेसी नंबर और इंजन नंबर तो होता नहीं, मोटर नंबर। तो ये खड़ी है S1 Pro, तो फर्स्ट इन बर्सर, तो ये है, तो ये है बर्सर की तरफ से। तो आज फाइनली जाके 1.5 मंथ के बाद इसकी रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस वो कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद अराउंड ये वीरेंद्र जी कितने दिनों बाद आ जाएगी इसकी नंबर प्लेट, अराउंड हफ्ता दस दिन तो ये आपके पास आएगी है ना, फिर उसके बाद है ना, ठीक है। तो ये प्रोसेस है पूरा। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी कमी लगी है कि थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो आई थिंक मेरे को ये लग रहा है कि हिमाचल में ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है कि ऑनलाइन या डायरेक्ट आप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिज़िकली लेके आना ही पड़ता है व्हीकल को, कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई घर पे नहीं जाता। तो अभी चेकिंग हो रही है, ये देख लीजिए उपमंडल दंडाधिकार यानी कि SDM ऑफिस बड़सर। तो ये था टोटल आर मीन्स प्रोसेस पूरा। सो इसके बाद हमें जो ये ग्रीन प्लेट है टेम्प्रेरी प्लेट, ये 1K अब HP का नंबर मिलेगा 1100 ही 1,42,000। हाँ 1,42,000 नहीं है तो ठीक है, महंगी है लेकिन फ़ायदा भी है ना, 135 टॉप मतलब रेंज है इसकी और 4 यूनिट में। तो आपको भी मिला होगा, सब्सिडी नहीं है सेंटर, इसमें सेंटर गवर्नमेंट की सब्सिडी है 50,000, वैसे तो 1,02,00,000 कुछ की है, 1,92,000 की, ये मतलब एक कुछ की जो बड़ी है सब्सिडी हटा के हमें जो एक्चुअल पे करना पड़ा कस्टमर को वो 1,42,000, वैसे तो इसकी कीमत है 1,90,000। उन्होंने तो कम की थी, नहीं S1 होगा वो S1 है, ये S1 Pro है वो पड़ी होगी, S1 होगी वो, उसकी रेंज 105 होगी है ना। तो ये है SDM ऑफिस जैसे कैमरा लाओ हमने, ठीक है फिर है ना, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर हम कभी आएंगे ना, चलो ठीक है ना। सो ये था गाइस, तो यहाँ पे RTO प्रोसेस हो गया, तो लेट्स सी आगे देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जाती है। तो ये होता है भाई हिमाचल में ना, बड़ा ही लंबा है यार प्रोसेस, ही बहुत ही लंबा है, मतलब 1-1.5 महीने बाद। अब देखो इसमें ओला वालों की कोई गलती नहीं है, ओला वालों ने तो पेमेंट कर रखी है, अब ये जो अगले बंदे हैं इनका प्रोसेस ही बहुत ढीला है यार, ये जाएंगे तो बेटर है यार हिमाचल में। तो मैं ये बोलता हूँ कि ओला वालों को डायरेक्ट ही आपको इनको दे देना चाहिए, वहाँ पर ऑप्शन होने चाहिए कि आप थ्रू एजेंट करवाना चाहते हैं RTO प्रोसेस या थ्रू सेल्फ, तो सेल्फ का ऑप्शन होना चाहिए यार। सो चलते हैं हम घर, यहाँ से है 25 किलोमीटर, लेट्स सी देखते हैं कब पहुँचते हैं। तो ये था जो कि RTO प्रोसेस, इसमें भी मेरी नंबर प्लेट अभी नहीं लगी है, यानी कि अभी प्रॉपर रजिस्टर हुआ है मेरा मीन्स व्हीकल जो कि मेरे लोकल जो तहसील होती है वहाँ पे। तो कितना लंबा प्रोसेस है, डिलीवर हुआ था 9 अप्रैल को और आज थी 19 मई, तो यानी कि 1 महीना 10 दिन के बाद जाके मेरा व्हीकल रजिस्टर हो रहा है। तो ये किसकी गलती है,
ये ओला वालों की गलती नहीं है, लेकिन ओला वालों ने जिनको टाइप जिनके साथ टाइप कर रखा है उनकी मिस्टेक है, उनका डिले है, क्योंकि ओला वालों ने ऑलरेडी पेमेंट इनको कर रखी है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है ओला वालों से कि इस चीज़ को देखें, इसी की वजह से आपकी डिलीवरी भी लेट हो रही है और कस्टमर को कितना पेन फुल मीन्स कस्टमर को कितनी परेशानी हो रही है इसके मामले में। जब उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उसको टेंशन होगी, तो ये चीज़ है। तो इस पर बिल्कुल ज़रूर गौर करें, अगर वो सेल्फ़ करवा सकता हो तो सेल्फ़ करवा दे। यहाँ पे तो अगर फिर वही बात आ गई, फिर तो ऑनलाइन का मतलब रहा ही नहीं, जब आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय घर पे आ ही नहीं रहे हैं तो फिर वो ऑनलाइन का मतलब नहीं रहा। तो ये था वीडियो जो कि मैंने आपको बताया। अभी भी मेरी नंबर प्लेट आने को 10 से 15 दिन लगेंगे, वो भी मुझे या लेके आनी पड़ेगी या फिर ये हमारे मीन्स एक तरह की लेके ही आनी पड़ेगी, घर पे तो ये देंगे नहीं। तो ये प्रोसेस है पूरा। अब पता नहीं इसमें किसकी क्या मिसकम्युनिकेशन है, ओला की तरफ से मिसकम्युनिकेशन है या इनकी तरफ से कम्युनिकेशन है। इनको पूछते हैं तो बोलते हैं हम कैसे घर पे जाएं, हमें कुछ नहीं मिलता, इसका हमें एक्स्ट्रा पे आउट नहीं करते, 3 रुपये पर किलोमीटर। हो सकता है यार इनकी भी अलग वो चीज़ें हैं, इनकी कंपनी पर डिपेंड करता है। लेकिन वैसे व्हीकल में कोई दिक्कत नहीं है, ओला की तरफ से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, सिर्फ वही RTO प्रोसेस, वो आपको पता ही है गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो थोड़ा डिले करते हैं, बाकी व्हीकल बहुत ज़बरदस्त है। हिमाचल के रोडों पर मैं हूँ तकरीबन 8 या 9 दिन, मैंने आपको बताया था कि 5 दिन की मेरी छुट्टियां, सैटरडे संडे मेरी वैसे छुट्टी होती है, तो टोटल 9 दिन की। तो हिमाचल में जो मेरे को इसकी रेंज निकल के आ रही है 125 से 140 तक, ये विद पिलियन बताया अभी हम अप्रॉक्स, मैंने आज मैं आपको एंड में बताऊंगा, एंड में आप इसकी रेंज टेस्ट देखना कि कितना मैंने अराउंड 80 किलोमीटर चलाया था, उसमें मेरी कितनी बैटरी कंज्यूम हुई है, जिसमें मैंने 40 किलोमीटर किसी को ड्रॉप करा था और 40 किलोमीटर मैं सोलो आया था, मतलब जाते हुए थोड़ी थोड़ी चढ़ाई थी और आते हुए थोड़ी थोड़ी उतराई थी, मतलब इतना मेरा हिल पे नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत स्मूथ चला है। और डिपेंड करता है आपके साइड के रोड कैसे हैं, अगर आपके साइड के रोड बहुत अच्छे हैं इस तरह जैसे हमारे हैं, फिर आपके व्हीकल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और वैसे भी ऑफ रोडिंग में भी कोई दिक्कत नहीं अभी तक आई, लेकिन वही होता कि अभी तो 1-1.5 महीना हुआ है, तो मैं आपको ये पूरी चीज़ नहीं बता सकता कि ऑफ रोडिंग में क्या है। ऑफ रोडिंग में आपके पेट्रोल व्हीकल तक छलक जाते हैं, ये तो फिर भी आपका पूरा ही आपको पता ही LED लगी हुई है, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई जो कि मैं आपको जेन्युइन इसका बता रहा हूँ। तो ये था वीडियो, अब यहाँ से मेरा गांव स्टार्ट होता है, से एंड में मैं आपको इसकी रेंज बताऊँगा जो कि मैंने 80 किलोमीटर में कितनी मेरी बैटरी खर्च हुई, कितना ये चली और कितनी बैटरी रिमेनिंग है। तो स्टे ट्यून गाइस, पूरी वीडियो एंड तक। घर यानी कि हिमाचल में ना ज़्यादा हिल पे ना ज़्यादा प्लेन पे, तो यह है हमारे गांव की लोकल मार्केट, ये आपको दिख रही है, तकरीबन 20 से 25 दुकानें हैं लेफ्ट एंड राइट में आपको दिख रही है, और ये सामने जो है ये मेरा घर है जहाँ पे एरो दिख रहा है आपको। तो चलिए फिर आपको बताता हूँ कि टोटल कितनी रेंज निकल के आती है, मेरा घर बिल्कुल रोड के साइड है, तो बताते हैं आपको। फाइनली आ गए हम अपने घर में, ये सामने वाला हमारा घर है और ये पूरा आंगन, मतलब चाचा और पापा हम साथ ही रहते हैं, तो नीचे वाला चाचा जी का और ये अपना हमारा घर। तो छाया में लेके मैं आपको बताता हूँ, देखो बैटरी अभी रिमेनिंग है 36%, यानी कि 64% बैटरी में हम 79 किलोमीटर चले हैं, ये देख लीजिए, एवरेज स्पीड 34, टॉप स्पीड 77, मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कंजूसी से चला, नॉर्मल जैसे हम नॉर्मल एक्टिवा चलाते हैं वैसे ही मैं चला के गया था। जाते हुए 40 किलोमीटर अराउंड जो है हम पिलियंस थे और आते हुए सोलो था मैं, अराउंड यही 130 की रेंज निकल के आ रही है विद बिलियन। तो ये था वीडियो, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि मुझे स्पोर्ट्स और हाइपर मोड यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है हिमाचल में, नॉर्मल मोड ही आपका इनफ है, स्पोर्ट्स और हाइपर मोड बिल्कुल भी, हाइपर तो इतना मतलब पावरफुल है कि ये रोड वो चलाने वाले नहीं है। हाइपर सिर्फ तभी यूज़ होगा आपका हिमाचल में जब आप कहीं खड़ी चढ़ाई पर रुक जाते हैं, तो आपको किसी पिलियन के साथ दोबारा गाड़ी चलानी पड़ती है, तब यूज़ होगा, अदरवाइज़ मेरे को नहीं लगता। नॉर्मल मोड ही इनफ है आपके लिए, बहुत स्मूथ है। अगर हिमाचल में किसी कोई वीडियो देख रहा है वो लेने का इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ यार आंख बंद के लेना, क्योंकि इसकी सर्विस और डिलीवरी पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थी वीडियो छोटी सी,
अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर जरूर करना। तो यही था अपना हिमाचल, देख लीजिए कितना कैसा पानी है, हर चीज़ मैंने आपको हर टेस्ट दिया है इस वीडियो में। तो ये था वीडियो आरटीओ प्रोसेस का कि कितना डिले है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड गाइस।